हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड ऑमलेट, वो भी बिना अंडे का। सुपर टेस्टी, प्रोटीन रिच, सारे आइटम आपको घर पर ही मिल जाएंगे, कोई तामझाम नहीं है। इतना टेस्टी है कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं। और प्लीज़ रेसिपी देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी एंड तक देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैंने ली है मूंग धुली दाल एक कटोरी, जिसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा पानी डालकर इसको ग्राइंड किया है क्योंकि हमें थोड़ी रनी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मैंने इसमें डाला है नमक और हींग, टर्मरिक पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अब मैं इसे अच्छे से बीट कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम यहाँ लेंगे एक पैन, नॉनस्टिक पैन हो तो ज़्यादा अच्छा। इस पर मैंने बटर रब कर लिया है और अब यहाँ मैं 2 से 3 लेडलफुल इसमें ये दाल का बैटर डालूँगी और यहाँ फ्लेम हम रखेंगे लो टू मीडियम और अच्छे से इस बैटर को पैन पे फैला लेंगे। अब जैसे ही हमारा बैटर पूरे पैन पर फैल जाएगा, हम इसे 30 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके बाद हम रखेंगे इस पर 2 ब्रेड स्लाइसेस। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे ताकि हमारा चीला अच्छे से पक जाए। मीनवाइल हम इस पर या तो मेल्टेड बटर या घी ब्रेड पर अच्छे से लगा लेंगे ताकि जब हम इसे फ्लिप करें तो ये अच्छे से सिक जाए। अब यहाँ हम 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि चीले पर थोड़ा डार्क येल्लो कलर आने लगे। अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए इतना अच्छा कलर आया और हमारा चीला भी सिक चुका है। अब यहाँ हम फ्लेम कर देंगे लो। चलिए अब हम अपनी फेवरेट वेजिटेबल्स रखते हैं इस पर। यहाँ मैंने ऐड किया है अनियन रिंग और यहाँ मैं थोड़ा सा टमाटर भी डालूंगी। आप चाहे तो कॉर्न, शिमला मिर्च, जो आपकी फेवरेट सब्जी है वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी चीज़। आपको चीज़ की जगह पनीर भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अब हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा मिक्स, या आपके पास ओरिगैनो हो या चाट मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं, और चिली फ्लेक्स। अब यहाँ से आप देखिए चीला हमारा ऑलमोस्ट दूसरी साइड से भी हो चुका है। तब हम दोनों साइड को अंदर की तरफ मोड़ देंगे। अब हम एक ब्रेड को दूसरी ब्रेड के ऊपर फोल्ड कर देंगे एंड देखिए हमारा वेजिटेरियन ब्रेड ऑमलेट तैयार है। आप इसको केचप या ग्रीन सॉस किसी के भी साथ खा सकते हैं। इतनी सिंपल सी रेसिपी है, प्रोटीन रिच है, वेजीज हैं इसमें, तो एक बार ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसी रेसिपीज़ ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।